सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप सभी के जो पीजी के एडमिशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो स्टार्ट हो गए हैं। सो मेरे को काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो पीजी के एडमिशन्स है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्लियरली कि हाँ, पीजी के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और वो आज ही स्टार्ट नहीं हुए हैं, आई थिंक 4 से 5 डेज पहले स्टार्ट हो चुके थे। एंड आई होप कि आप सभी को अपडेट नहीं मिला होगा, बट अब जो है वो पीजीज के जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहूँगा। देखो, सो किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर कोई क्वेरीज रहती है आपकी पीजी एडमिशन से रिलेटेड तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेना। देखो, सबसे पहले लास्ट डेट की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, कि लास्ट डेट जो है वो आपको घबराने की कोई यहाँ पर बात नहीं है। लास्ट डेट जो है वो अच्छा खासा टाइम है हमारे पास, 15th of May 2022 है, यानी कि 15 मई 2022 लास्ट डेट है। इसके अंदर जो है वो आप सभी अपनी एडमिशन्स को जो है वो इससे पहले पहले करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सकते हैं। कैंडिडेट से अनुरोध है कि DUET यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरते वक्त जो है वो सावधानी रखनी आपको पड़ेगी। कैंडिडेट्स द्वारा अगर DU के PG एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो बाद में सुधार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप सभी जब भी भरें एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत अच्छे से देखकर भरें, ताकि अगर कोई गलती हो तो वो फिर ठीक नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ का हिसाब आपके पास होना चाहिए। देखो, अब अप्लाई कैसे करना है तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ यहाँ पर, कि आवेदन करने के लिए सबसे पहले DU के आधिकारिक वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, pgadmissions.uod.ac.in। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर आप न्यू यूज़र हो तो न्यू यूज़र पर जाना है, अगर आप पहले रजिस्टर्ड कर रखा है तो आपको रजिस्टर्ड यूज़र पर जाना है। ठीक है, और जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो अगर ये दो स्टेप करते हैं तो आपको एक नई विंडो खुल के आ जाएगी सामने, और उस नई विंडो के अंदर आपके सारी डिटेल्स मांगी जाएगी। ठीक है, फॉर्म आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा सारा, ये जो रहेगा थर्ड स्टेप वो सारा इम्पोर्टेंट आपके पास रहेगा। अब देखो, फॉर्म ठीक से भरे और एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर दे एंड सबमिट कर दे। लास्ट जो स्टेप रहेगा, आपको फॉर्म अच्छे से भरकर एक बार प्रीव्यू कर लेना है, चेक कर लेना है, एंड आपको जो है यहाँ पर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो चाहे तो आप लिख सकते हो, मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं यहाँ पर। तो DU PG कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ की, ठीक है, स्कैन हुए सिग्नेचर होने चाहिए, एंड सेल्फ अटैच जो है वो वैलिड आईडी प्रूफ होने चाहिए। वैलिड आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, एंड पैन कार्ड दे सकते हो, कोई भी आपका एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए। एंड देन उसके बाद क्लास 10th की जो है वो सेल्फ अटैच जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, एंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, अदरवाइज उससे भी आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स में। एंड सेल्फ अटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मान लो आप जनरल हो तो आपके लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, बट वहीं अगर आप OBC या SC कैटेगरी के स्टूडेंट हो या ST के हो तो आपको वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि आपके PGs के एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं एंड हो गए हैं, एंड लास्ट डेट क्या है मैंने बता दिया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, तो 15 मई 2022 लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपको अपने PG के एडमिशन अगर आपको चाहिए तो उससे पहले आपको वेबसाइट पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, और अगर कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई करेक्शन अगर गलती होती है तो उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि फिर दोबारा जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसका मतलब करेक्शन विंडो या किसी भी प्रकार का जो है वो फिर से दोबारा ओपन नहीं करेगी, इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है। ठीक है, तो जाइए एंड अपने PG एडमिशन्स के लिए आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरिए, एंड बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।